दोस्तों जुलाई महीने में उगने वाली सब्जियां। जी हाँ, जुलाई महीने में उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? आज इस वीडियो में यही बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जो हमारे किसान भाई हैं वो जुलाई महीने में कौन कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं अपने खेतों में, और ऐसे अन्य मित्र हैं जो गमलों में लगाना चाहते हैं सब्जियों को, तो वो कौन कौन सी सब्जियां उगाएंगे, ये सारी बातें समझेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपके स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों बता दें कि जुलाई महीने में आप तुरई की खेती कर सकते हैं। जी हां, किसान भाई और गमलों में आप तुरई लगा सकते हैं। इसके बाद वीन, जिसे वीन से रौसा कहा जाता है, इसे आप जुलाई महीने में उगा सकते हैं। इसके बाद फूलगोभी, फूलगोभी की बुआई रोपाई दोनों चल रही है और आप जुलाई महीने में लगा सकते हैं, और पत्ता गोभी भी कर सकते हैं आप जुलाई महीने में। इसके बाद गिलकी, जी हाँ गिलकी की खेती आप जुलाई महीने में भी कर सकते हैं। वेगन, वेगन एक ऐसी सब्जी है जो बारह महीने की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए वेगन को लगाया जाता है। ये 3 महीने में चालू होने वाली फसलें हैं। इसके बाद भिंडी, भिंडी भी किसान भाई जुलाई महीने में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है टमाटर, जी हाँ टोमेटो आप जुलाई महीने में बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद परवल, परवल की खेती किसान भाई जुलाई महीने से शुरू कर सकते हैं, जो कि बरसात में अच्छा पैसा देगी। करेला, ये बेल वाली फसलें हैं जिन्हें जुलाई महीने में उगाया जा सकता है। लौकी, लौकी भी एक ऐसी सदाबहार फसल है जो कि जुलाई महीने में की जा सकती है। चौलाई, चौलाई को आप जुलाई महीने में कर सकते हैं, जो कि बरसात में अगस्त में चालू हो जाएगी। इसके बाद प्याज, यदि प्याज की छांट बोना चाहते हैं तो आप जुलाई महीने में कर सकते हैं। पौध लगाना चाहते हैं तो वो आप जून महीने में करें। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई पहले छांट बोते हैं, मतलब बीज को बोते हैं, इसके बाद पौध तैयार करने के बाद एक एक उसे खेत में लगाते हैं, तो ये समय आपका जून महीने में चलता है। यदि आप जुलाई महीने में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो फिर आप बरसात की खेती कर पाएंगे, तो बरसात के लिए आप छांट बोइए, मतलब कि आपके लिए इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप खेतों में बढ़िया हका जुता कर इसकी छांट बो दीजिए और पानी से सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद बरसात में जो आपकी फसल होगी वो छांट वाली प्याज की होगी। इसके बाद आप बो सकते हैं पेटा, जी हाँ पेटा का समय शुरू हो चुका है जून महीने से, आप जुलाई में भी इसकी खेती कर सकते हैं। मूली, मूली एक सदाबहार फसल है, 12 महीने चलने वाली है, तो आप जुलाई महीने में लगा सकते हैं। मिर्ची, मिर्ची भी आप जुलाई महीने में इसकी बीज रोपाई कर सकते हैं, जो कि बरसात में आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद आता है खीरा, जी हाँ किसान भाई खीरा की खेती कर सकते हैं, बेल वाली फसल है। और यहाँ तक हम आपके लिए बता दें कि बेल वाली फसल कोई सी भी हो आप 12 महीने कर सकते हैं, उगा सकते हैं, वह फल अवश्य देगी। लेकिन तरबूज और खरबूज और एक पेटा, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनको आपके लिए समय के अनुरूप ही लगाना होगा। जैसे कि तरबूज, खरबूज नवंबर दिसंबर से चालू हो जाता है बुआई करना, इसके बाद पेटा मार्च के बाद शुरू हो जाता है बोना। तो ऐसे आप इन फसलों को मौसम के अनुरूप बोएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। इसके बाद अन्य जो बेल वाले फसलें उनको कभी भी आप उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था हमारा वीडियो का टॉपिक, जिसमें जाना हमने कि जुलाई महीने में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं किसान भाई, और जितनी भी इस वीडियो में हमने फसलें बताई है इन सभी को आप गमलों में लगा सकते हैं, यदि आपके पास खेती नहीं है तो बड़ी आसानी से उग जाएगी। बात करें बीज कहाँ से मिलेंगे, तो मार्केट में जो खाद बीज बेचते हैं उन कीटनाशक दवाइयों पर आपके लिए बीज मिल जाएंगे। गमलों में लगाने के लिए आप किसी किसान से संपर्क करके उससे भी ले सकते हैं, क्योंकि 2-4 बीज तो वह आपको ऐसे ही दे देंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपके लिए हमारा वीडियो का टॉपिक? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें इसके बेल आइकन को, ताकि देख पाए आप आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।